नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। आज की टॉप 5 खबरें इस तरह से है। पहली खबर राजस्थान बीजेपी से जुड़ी है। बीजेपी के आला नेता कितनी भी चाहे अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में आंतरिक कलह को पार्टी में मिटाने की, लेकिन उतनी ही अब विरोध के स्वर भी खुलकर सामने आते जा रहे हैं। अब तक वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के खेमे के बीच में ही बयानबाजी देखने को मिली थी और वसुंधरा राजे के समर्थक खासे नाराज है। खुद वसुंधरा भी बीजेपी के कार्यक्रमों में राजस्थान में कहीं भी हिस्सा नहीं ले रही है। लेकिन अब उदयपुर के वल्लभगढ़ के पूर्व विधायक रणदीप सिंह भिंडर ने भी साफ कर दिया है कि वे वसुंधरा राजे के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने वसुंधरा राजे से मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद दो टूक शब्दों में साफ कह दिया कि राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी माने जाते हैं इस वक्त राजस्थान में, जब तक वे बीजेपी में शामिल हैं वे कतई ही बीजेपी में वापसी नहीं करेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थन में खुलकर खड़े नजर आएंगे। इस तरह की जो पार्टी में गुटबाजी आ रही है, बीजेपी के आला कमान की ओर से कई बार उसे सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर यहाँ पर बीजेपी में घमासान मचा हुआ, उसके बाद यह इतना आसान काम भी नहीं लग रहा और इसका फायदा कांग्रेस आए दिन उठाने में लगी है आरोप प्रत्यारोप के जरिए और बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में कलह नहीं है बल्कि राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। दूसरी खबर राजस्थान के सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान पर अब जो अपना फोकस बनाया हुआ था उससे जुड़ा होमवर्क पूरा कर लिया है। रिपोर्ट पहुंच चुकी है लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्दी ही नई दिल्ली जाएंगे, वहां पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात के बाद वे इसे लेकर कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अशोक गहलोत अब भी नहीं चाहते कि उनकी मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री को हटाया जाए। हालांकि जो खाली जगह है वहां पर वे पार्टी आलाकमान के सुझाव के अनुसार नए मंत्रियों को शामिल करने पर तो राजी हैं लेकिन अपने किसी भी मंत्री को हटाए जाने के पक्ष में नहीं है। जबकि असंतुष्ट खेमे के माने जा रहे सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि करीब 2.5 साल पहले जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उनके कोटे से जो मंत्री बने थे अब उन्हें हटाया जाए क्योंकि अब नए लोगों को वे अपने नए समर्थकों को नए विधायकों को चांस देना चाहते हैं। अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं है। अब यही देखना होगा कि आलाकमान क्या रास्ता निकालती है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर जो विवाद चल रहा है वह जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तीसरी बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट से है। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कमी कोई नई बात नहीं है। केस पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग है और लोगों को इंसाफ मिलने में देरी भी हो रही है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर भी एतराज़ जताया कि राजस्थान में करीब 100 अधीनस्थ न्यायालय ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का भवन नहीं है, यदि भवन भी है तो बहुत बुरी हालत में है। इसे लेकर विधि सचिव की ओर से अदालत के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से लॉ मिनिस्ट्री को राजस्थान के पत्र भी लिखा गया और यह कहा गया कि अधीनस्थ अदालतों में कम से कम एक अच्छा खासा भवन तो होना चाहिए ताकि जो लोग आ रहे हैं, जो जज बैठ रहे हैं, उन्हें परेशानी ना हो, कामकाज के निपटारे में आसानी हो जाए। लेकिन अब तक इस पर जब लंबे समय तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसने इस पर राजस्थान सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया है और कहा है कि सरकार को जल्दी से जल्दी अदालत से जुड़ी इन समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना ही होगा। अगली खबर राजस्थान के पाली और सिरोही जिले से है। यहाँ पर सूखे के हालात आ गए हैं क्योंकि मानसून ने इस बार इस पूरे इलाके में कोई मेहरबानी नहीं दिखाई है। यहाँ पर 5 दिनों में एक बार लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। 5 दिनों में जब पीने का पानी मिलता है वह भी पूरे प्रेशर के साथ नहीं आता तो लोगों की मुश्किलें समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी राजस्थान के पाली जिले की बात करें तो वह टेक्सटाइल से जुड़ा इलाका है। टेक्सटाइल से जुड़ा इलाके में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन अब वहाँ के उद्योग धंधे ठप हो गए हैं। सांसद बीजेपी के पीपी चौधरी हैं जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, विधायक बीजेपी के हैं वहाँ पर ज्ञानचंद पारक,
जनता उनसे बार बार अपील कर रही है कि पानी के लिए व्यवस्था करें, टैंकर मंगाए जाए, रेल टैंकर या जोधपुर से इंदिरा गांधी नहर के जरिए पानी लाया जाए। लेकिन अब तक न तो सांसद ने न ही बीजेपी विधायक ने जयपुर आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने इसे लेकर अपनी ओर से कोई कोशिश शुरू की है, तो ऐसे में लोगों की परेशानियां काफ़ी बढ़ गई है। अगली खबर राजस्थान में होने वाले आज के एक सबसे बड़े प्रदर्शन से लेकर है। प्राइवेट स्कूल के तमाम संचालक आज जयपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। इनका यह कहना है कि राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूलों खोलने का तो फैसला कर दिया, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक की भी कक्षाओं को नियमित शुरू करने के लिए ये लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इनका यह कहना है कि जो प्राथमिक स्कूल है या जो माध्यमिक स्कूल है जो 8वीं तक की होती है, वहाँ वह काफ़ी लंबे समय से बंद है। ऐसे में इन स्कूलों की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, कई अध्यापक बेरोजगार भी हो चुके हैं, क्योंकि जब स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे तो क्या पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। चूँकि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं, ऐसे में ये छोटे प्राइवेट स्कूल के संचालक चाहते हैं कि वहाँ पर जब ऑनलाइन की भी पढ़ाई भी नहीं हो रही है तो अभिभावक फीस भी नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का शुल्क भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों को खोलने पर भी सरकार को जल्दी से जल्दी कोई विचार करना चाहिए, कोई ऐलान करना चाहिए। उधर राजस्थान सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि 1 सितंबर से जो कक्षा 9 से 12वीं तक की स्कूल खुल रही है, कॉलेज जो खुलने वाले हैं, उसके लिए उसने स्पेशल SOP जारी कर दिया है और इन्हीं गाइडलाइन के अनुसार सभी स्कूलों को खोलना जरूरी होगा। शिफ्ट में स्कूलें चलेगी, बच्चों को दूर दूर बैठाना होगा और जो बच्चे ऑनलाइन कक्षा के जरिए पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध भी कराना होगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बच्चों का भी चयन कर लिया गया है जिनके जो अब स्कूल जा रहे हैं, जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है, चयनित कर लिया गया इन बच्चों को और उन्हें अब टीके लगाने के बारे में जल्दी ही कोई बड़ा फैसला राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर ले लेगी, ताकि स्कूलों में जाने के दौरान इनके स्वास्थ्य पर कोरोना का कोई असर ना हो और ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सरकार की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है स्कूलें तो खोला जा रहा है, लेकिन यदि तीसरी लहर की आशंका सामने आ जाती है, केसेस बढ़ जाते हैं, तो स्कूलों को तत्काल बंद करने का अधिकार भी राजस्थान सरकार के पास ही है।